कानपुर में नई सड़क है ये, और दही बड़ा, गुजिया और सिमई, कुल मिलाकर के गंगा जमुनी तहजीब वाली फीलिंग आ रही है यहाँ से। अब चुनाव भी नजदीक आ गया, लोकतंत्र का त्योहार है, पता है उस त्योहार की क्या तैयारी भाई? हमारा जो कांग्रेस का है, साइकिल का सपा है, गठबंधन के साथ है, गठबंधन जो परेशानी है उसको दूर हो। क्या क्या परेशानी भाई जी? बहुत ही परेशानी है, कारोबार है, कारोबार चला गया है बिल्कुल। तो भाई जी, पंजा और साइकिल आएगी तो मजबूती मिलेगी, कारोबार दौड़ेगा, हाँ दौड़ जाएगा मामला। चुनाव प्रधानमंत्री वाला है, पता है आपको किसे बनाया जाए? प्रधानमंत्री केजरीवाल को। केजरीवाल को बनाया जाए, वो तो जेल में है, अब क्या होगा उनका? नहीं, वो भी वापस जेल तो समझ जाते हैं। ये नई सड़क पे झाड़ू का मामला कहाँ से आ गया? आम आदमी पार्टी केजरीवाल, आम आदमी है वो, है आम पार्टी, बढ़िया पार्टी है, बढ़िया पार्टी है। उनको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? बन जाए तो सही लगेगा, देखना चाहते हैं। आपको पसंद कौन है, फूल या पंजा या गठबंधन वाला? ये तो पार्टी गई गई बिल्कुल, बोरिया यूँ उछालेगी और यूँ उठा के चली आई काशीनाथ चली जाएगी। और जेल से केजरीवाल आके संभाल लेंगे सब कानपुर? कानपुर कैसे संभालेंगे जेल से केजरीवाल? उसको अंदर क्या गया, यही हम लोग कैसे सामने आया, कैसे अंदर हो गया, अब बाहर कैसे आएंगे ये समझाइए ना। वो पब्लिक लाएगी इंशाल्लाह। गुड्डू भाई को लगता ही है कि जनता जाएगी, केजरीवाल को जेल से लाएगी, प्रधानमंत्री बनाएगी, हो पाएगा ये सब भाई जी? अच्छा काम कर रहे हैं। हिसाब से हालात है, इस हिसाब से मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो इस समय सत्ता में है उनके ऊपर जो केस अभी जो है चलने, अभी साबित नहीं हुए हैं, लेकिन ईडी के हिसाब से कार्रवाई उनको मेन अभियुक्त बनाया है। मतलब आप मानते हैं, नहीं लगता कि इलेक्शन से पहले पहले वो बाहर आ पाएंगे? और प्रधानमंत्री बनने का मामला, अभी प्रधानमंत्री भी थोड़ा सा टाइम है। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पे कैसे लगते हैं? प्रधानमंत्री तौर पे चेहरा तो अच्छा है, लेकिन अभी उनमें थोड़ा समय लगेगा। समय लगे और कितना समय लगेगा भाई जी? देखिए अभी सीनियर के हिसाब से, अगर आप देखेंगे सीनियर के हिसाब से कांग्रेस में उनसे सीनियर नेता पहले पुराने हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए। और पुराने तो सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उसका उसको तो बचा नहीं पा रहे हैं। डूबती है तो हर आदमी अपनी जान बचा के भागता है, इस समय डूबती नैया है, सीधी सी बात है। राहुल गांधी जी आए बिल्कुल पक्का चाहते। भाई जी रोक लिया, स्कूटी रोक के नजारा देख रहे थे, परिवार के साथ जा रहे थे। ये कह रहे हैं भाई जी कि केजरीवाल को जेल से जनता निकालेगी, प्रधानमंत्री बना देगी, बन जाएंगे? नहीं इतनी आसानी से बन जाएंगे नहीं, बन पाएंगे। और राहुल गांधी? राहुल गांधी तो राहुल तो बन सकते, वो तो अमेठी से लड़के नहीं दे रहे, बताइए। लड़ेंगे लड़ेंगे, टाइम तो आने दीजिए। राहुल जीत जाएंगे? आप लोगों की तैयारी है पूरी? बिल्कुल बिल्कुल, जीतवाने की पूरी पूरी कोशिश कर। देखिए कानपुर में बैठे बैठे ये अमेठी सीट जीतवा देंगे भाई जी, ये यूपी वालों की खासियत है, कहाँ नजर रखते हैं। नई सड़क से आगे नवीन मार्केट है, उसकी तरफ बढ़ेंगे, ज्यादा दूर है नहीं। पप्पू भैया हमें कानपुर मार्केट में ले चल रहे हैं, ये है नई सड़क, सामने है नवीन मार्केट, पॉपुलर मार्केट है, वहाँ पे लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाते पीते हैं, शाम इंजॉय करते हैं। ऐसे ही लोगों को हम भी ढूंढा करते हैं, उन्हें थोड़ा डिस्टर्ब किया जाए, उनके दिमाग से थोड़ी बहुत जानकारी निकाली जाए। पप्पू भाई बढ़ा दो गाड़ी, बताइए सरकार किसकी बनाएंगे? बीजेपी की। पांच काम बीजेपी के आप इनसे पूछ लीजिए, हम बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार हैं। बताइए पांच काम। राशन भी बढ़िया दे रही है, अच्छे काम हो रहे हैं, कैसी है कानून व्यवस्था भाई? बहुत बढ़िया है। पहले कैसी थी? पहले थोड़ी सी जो है कैसी थी सबको मालूम है। अगर हम गलत काम करते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो हम निर्मा वॉशिंग बॉर्डर से बिल्कुल स्वच्छ होकर बीजेपी में चले जाएंगे। अगर बीजेपी में नहीं जाते हैं तो ईडी और सीबीआई हमको अंदर कर देगी। दिक्कत है क्या भाई? फंस गए, अकेले फंस गए भैया। कोई भी आए, कांग्रेस आए, समाजवादी पार्टी आए या भाजपा आए, कारोबार रोजगार बढ़ना चाहिए, बस रोजगार चला, रोजगार आ जाए तो बस। इससे अच्छी कोई सरकार नहीं है। क्या बात कह रहे भाई जी, इससे अच्छी कोई सरकार नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार ने मुसलमान को अपनी आईडी सही करने की वो दे दिया है। क्या बात कर रहे हो? इसके पहले कोई हम लोग में आईडी को कुछ मानते नहीं थे, और इस सरकार जब से आई है मुसलमान की आज को आधार कार्ड सब सही हो। कुल मिला के पेट का मसला है, देखो ये भाई जी चाहे टोपी हो चाहे श्री राम वाले, इधर आओ। कौन आएगा यहाँ से? हाँ बीजेपी आएगी। और ये लोग कह रहे हैं कि जेल से केजरीवाल को निकाल के प्रधानमंत्री बना सकते हैं? नहीं बन पाएंगे। राहुल गांधी? नहीं बन पाएंगे। जब से ये ऑनलाइन व्यापार चालू हुआ है, हम लोगों को व्यापार चौपट हो गया। आपको अभी भी आके राहुल गांधी अच्छे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं, उनकी स्पीच नहीं अच्छी लगती, कुछ लोग कहते हैं। हाँ।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।